रत्नप्पा कुम्हार की 114वीं जयंती पर कुम्हार उत्थान के लिए उठे कई मांग। जी हां, खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, कुशल राजनेता पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार उर्फ देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 ने आज स्थानीय शास्त्री घाट पर राष्ट्रीय कुम्हार महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से कुम्हार समुदाय की सैकड़ों हस्तियों समेत करीब 5000 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया, जिसमें निम्नलिखित मांगे शामिल थी, जिनमें सबसे पहली मांग उत्तर प्रदेश के कुम्हारों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का किया गया है। दूसरी मांग, प्रदेश में कुम्हारों की हो रही हत्या, उत्पीड़न, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ इसके लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की गई। तीसरी मांग, कुम्हारों के विद्युत चाक को घरेलू विद्युत कनेक्शन में शामिल करने के लिए किया गया। चौथी मांग, कुम्हार को आवंटित भूमि पट्टों को भूमि माफियाओं से मुक्त कराया जाए। और पांचवी मांग, देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में कुम्हारों की मंडी के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। छठवीं मांग, कुम्हार कला से जुड़े सभी शिल्पकारों को श्रमिक पंजीकरण योजना के तहत पंजीकृत कर उन्हें इसके तहत मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए। आपको पीछे बैठा रोल है जी, अपना परिचय। मैं राजेश कुमार प्रजापति, PS4 महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव। आज एक सभा की जा रही है, क्या उद्देश्य है सभा का? सभा का ये संगठन, पहले तो हम अपने महापुरुष का आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था 1909 में, और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग 25 सितंबर को कार्यक्रम रखकर जन्मोत्सव मना रहे हैं। जिस प्रकार से इनको संविधान में नाम नहीं दिया जा रहा, अपना दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसको लेके आप सरकार से क्या मांग करेंगे आज की सभा? मैं सरकार से अपने आपके चैनल से मैं मांग करना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों का भी चौराहे और कई जगहों जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें उनका फोटो और एक स्टैचू लगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब ऐप के साथ।